वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम लोग एवोगैड्रो हाइपोथेसिस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखेंगे। बोला है ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर CO2 का गैस है। इस सिलेंडर का वॉल्यूम बता दिया, प्रेशर बता दिया, टेम्परेचर बता दिया। आपसे पूछ रहा है मास ऑफ CO2 इसके अंदर कितना होगा। सो देखो, हम लोग को इतना तो रफ आइडिया है अब कि इफ आई नो दीज थ्री, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, तो मैं मोल पता कर सकता हूं। प्रेशर पता है गैस का, वॉल्यूम पता है गैस का, टेम्परेचर पता है गैस का, तो मैं वॉल्यूम ऑफ गैस, सॉरी मोल्स ऑफ गैस पता कर सकता हूं। और अगर मुझे मोल ऑफ गैस मालूम है तो मैं मास पता कर सकता हूं। कैसे पता करूंगा मास? मास ऑफ गैस इज इक्वल टू मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास, मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास पता है, CO2 का निकालिए आप, 44 ग्राम आएगा, तो यहां 44 प्लेस कर देंगे। बट मोल तो नहीं पता, बट मोल निकाल सकते। मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू क्या है? वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। अब देखो, हमें वॉल्यूम दिया है 11.2, बट ये कंडीशन अपना STP कंडीशन नहीं है, तो मैं इस वॉल्यूम को यहां प्लेस नहीं करूंगा। मैं इस गैस को ट्रांसफर करूंगा STP स्टेट में, मतलब मैं बोलूंगा कि ये अब अपना एक स्टेट है जहां P है आपका 1 ATM, T है आपका 273 केल्विन। इस केस में मैं वॉल्यूम पता करूंगा, मैं पता करूंगा यहां से यहां जब गैस ट्रांसफर हुआ तो वॉल्यूम कितना आया, उसके बाद मैं ये फॉर्मूला लगा के मोल पता कर सकता हूं। तो कैसे करेंगे, यहां वॉल्यूम कैसे पता करेंगे? P1V1 by T1 is equal to P2V2 by T2। क्या फॉर्मूला यूज होगा? P1V1 by T1 is equal to P2V2 by T2। देखो, क्लास 10th में हम लोग किए थे ना ये सर, 9th-10th में ये होता है। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता तो ये ध्यान रखिए, ये फिर से एक बार क्लास 11th में स्टेट्स ऑफ मैटर में आएगा। अब देखो, ये मेरा T2 है, ये P2 है, ये V2 है, ये T1, P1 and V1। अब मैं प्लेस करूंगा सबको, तो P1 is 6, यही प्लेस कर रहे, ठीक है, खाली पुटिंग है, 6 into 11.2 divided by 546 is equal to, V2 मुझे पता नहीं, P2 कितना, 1 ATM divided by 273, कट कीजिए, ये जाएगा 2 से, ये जाएगा 3 से, सो V2 is 3 into 11.2, V2 कितना आया, 3 into 11.2। दिस वॉल्यूम इज एट STP। अब मैं यहां प्लेस करूंगा तो मोल विल बी इक्वल टू वॉल्यूम एट STP, 3 into 11.2 डिवाइडेड बाय 22.4। इसको सॉल्व कीजिए, ये आएगा 3/2 मोल। नाउ अब मुझे समझ में आ गया इसके अंदर CO2 का कितना मोल है, 3/2 मोल है। और CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना निकाले थे, 44 ग्राम आता है। सो देयरफॉर मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 इंटू मॉलिक्यूलर मास। ये फॉर्मूला यूज करेंगे ना, ये वाला, विच इज इक्वल टू 3/2 × 44, विच इज इक्वल टू 33 ग्राम। तो इसके अंदर, सॉरी, 66 ग्राम, 66 ग्राम।
तो इसके अंदर कितना CO2 है, 66 ग्राम CO2 है। समझ में आया? हम लोग ये वाला फॉर्मूला तभी लगाएंगे जब STP है। STP नहीं है तो कंडीशन को चेंज करके STP में लाइए, STP का वॉल्यूम पता कीजिए, फिर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।